अस्सलामुअलैकुम, दिस इज़ जॉब एक्सपो। यू कैन सी इट्स बाय टैलेंट हंट 2023 एंड लेट्स गो इनसाइड एंड सी व्हाट्स हियर फॉर अस। सो तो हम लोग हॉल में एंटर हो चुके हैं, तो अंदर जो व्यू है वो कुछ ऐसा है। यहाँ पे एक सेमिनार चल रहा है, बेसिकली एक तरह की गाइडेंस है जो लोग आए हैं यहाँ पे विजिटर्स, कि वो किस तरह से अपॉर्चुनिटीज़ को अवेल कर सकते हैं। मैंने डिग्री की हुई है, लेकिन मेरी डिग्री जो है ना वो मीडिया की है, इरेलेवेंट है। लेकिन आपको पता है ना, AI आजकल कितना ज़रूरी है। अच्छा, हर किसी के लिए, ठीक है। तो आप मुझे उस तरह से बताएं कि मेरे लिए, जब मैं वीडियो वगैरह एडिट करती हूँ, तो मैं अपनी वीडियो को अच्छा बनाने के लिए AI को किस तरह से इस्तेमाल कर सकती हूँ। AI को किस तरह AI को बेसिकली ना, आप अगर फिर अगर माजी में अच्छे पैसे मुस्तकबिल में अच्छे पैसे कमाना चाहते हैं तो फिर AI आप कर लें, क्योंकि इसका 3 ट्रिलियन का बजट निकला 2023 का, खैर कम निकल रहा है। ओके, तो ये बेहतरीन है, इससे अभी ऊपर कोई फील्ड नहीं आई। अच्छा, ये आप मुझे थोड़ा सा बताइए कौन सा बाकी जो आप कर रही हैं वो SEO भी है। SEO भी है, हाँ ठीक है, SEO ग्राफिक्स तो होते हैं, लेकिन इसके अलावा AI आजकल बहुत ज़्यादा है। मैं आपको यही रिकमेंड करूँगा, आप ऊपर वाली चीज़ों पे जाएं। अब देखिए ना, मैं अलमगढ़ नेटवर्क का इंजीनियर हूँ। तो आप लोगों का ये आउटलेट कहाँ पे है? कोई फिजिकल जो फिजिकल है नंबर 3 में, किस नाम से? अभी सर्च करें। ये था रोज़गार जो गवर्नमेंट की तरफ से ऑफर किया गया, जो जॉब्स वगैरह भी ऑफर कर रहे हैं, और यहाँ पे आप अपनी कंपनी को भी रजिस्टर्ड करा सकते हैं। और ये आ रहा है गेमिंग, यू कैन सी। दे आर ऑफरिंग प्रोग्राम्स इन गेमिंग, if you are interested you can register to these emails and WhatsApp number, or you can just scan the this QR. ये गेमिंग्स में ये अपॉर्चुनिटीज किस लेवल के स्टूडेंट्स के लिए, बच्चों के लिए या अडल्ट्स के लिए, क्या है? बच्चों के लिए ना, हम लोगों ने रिसेंटली अपडेट्स लॉन्च किए हैं। ओके, लेकिन इससे पहले जो है हम लोग ज़्यादा फ्रेशमेंट्स, एंट्री लेवल प्रोफेशनल्स, लोग जिसने 30 से 40 में अंदर बना फ्री स्विच की, हम उस पर एज ग्रुप को जाते हैं। जो ज़्यादा हमारे प्रोग्राम्स थे उसके अंदर जो मेन मॉडल चलाते हैं, दैट्स 18 to 26। कभी कभार हमारे पास जिस तरह लास्ट प्रोग्राम के अंदर 13 पब्लिक जो है वो जैसे इंटरेस्ट हो सके गेमिंग के थ्रू, क्योंकि देखिए आगे जाके ना अपनी मेटावर्स की जो बात हुई है, AR VR मैंने पोजिशन वहाँ पर किया। सो फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बता रहा हूँ, मेटावर्स में जो अपॉर्चुनिटी वहाँ पर शो है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉस्ट बिकॉज ये गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल है। इससे पहले हमने अनरियल और ब्लॉकचेन एक्सपीरियंस करवाई थी, वो थी उसमें से ग्रेजुएशन होने के बाद दे वर वर्किंग। समर वेकेशन में बच्चों के लिए इसमें क्या है?
सिक्योरिटी किट्स ये वाला। हम लोगों ने अभी रिसेंटली ना HSL के साथ मिलके एक 54 बच्चों की वर्कशॉप करवाई, जिससे हमें पता लगा कि इस एज ग्रुप के बच्चों का ना एक्सपीरियंस है, एटीट्यूड है कि वो लोग ये चीज़ें कर सकते हैं, कर सकते हैं, वो ज़्यादा अच्छे से कर सकते हैं। बिल्कुल, हमारे लास्ट ईयर एक गेमिंग कॉम्पिटिशन हुआ था, गेम जैम जिसे कहते हैं, उसके अंदर 4 से 5 दिन के अंदर ना कम्प्लीट गेम बना रहे थे, तो उसके अंदर सरप्राइजिंगली 12 साल की एक बच्ची ने पार्ट लिया था फ्रॉम कराची, एंड इसने हमारा सेकेंड प्राइज में डेट आता वो जीत के लिए, सो इट वॉज अ सरप्राइजिंग थिंग फॉर अस क्योंकि 12 साल की बच्ची को इतना मेहनत करना चाहते हैं कि इसको एक स्ट्रीट से प्राइज मिले। Your branches are also in other universities? नहीं, हम लोग लाहौर में मिल चुके हैं, लेकिन ये है कि हम लोग रिमोट ट्रेनिंग जो है वो ऑल ओवर करवाते हैं, उसके अलावा हम लोग डिफरेंट ट्रेनिंग पार्टीज के साथ काम करते हैं, इफ वी वर इन अ डिफरेंट यू नो सिटी और समथिंग। रिमोट ट्रेनिंग्स में कितने दिन की ट्रेनिंग्स इंक्लूड होती है? दे आर ऑल द सेम, सो फॉर एग्जांपल अब ये यूनिटी के मेंबर का जो है इसमें दोनों रिमोट भी इंटरेस्टेड हैं, दोनों स्टूडेंट्स की हैं, बस रिमोट में ये है कि रिमोट की फीस कम है, इंटरेशन की फीस ज़्यादा है, लेकिन वी प्रेफर इंटरेशन ताकि कोई इसका जो ये जो कोर्स आप कराने जा रहे हैं इसका ऑफिस या जो भी इंस्टीट्यूट है वो कहाँ पे है? ओके, और ये पेड है? थैंक यू। क्वेश्चन नेक्स्ट, दे आर प्रोवाइडिंग कोर्सेज इन दीज वेब एंड मोबाइल ऐप, डिजिटल आईटी रिलेटेड ऑल फील्ड्स, empowering women through Shivin's training program. Assalamu alaikum. सर काइंडली थोड़ा सा ब्रीफ कर दें कि आप किस तरह से इम्पावर कर रहे हैं। दो प्रोग्राम्स हैं, एक रोजगार और एक एनएफटीपी है। यू आर ऑफरिंग कोर्सेज? जी, फ्री ट्रेनिंग। ओके, आई थॉट कि इट्स सम अपर चेंजेस लाइक जो आप और मैं वही आपको बता दूँ, मार्केट में जॉब्स की बड़ी सैचुरेशन है कि कुछ लोग काफ़ी पढ़े लिखे हैं 16 ईयर्स क्वालिफाइड, जॉब्स नहीं है आजकल करंट में। गवर्नमेंट ये 7 कोर्सेज ऑफर करवा रही है कि अगर आप इनको करें अलॉन्ग विद द फ्रीलांसिंग, ठीक है, आप ऑनलाइन प्रोजेक्ट्स कैरी करें वर्चुअल मार्केट से फ्रीलांसिंग योर अर्निंग स्टार्ट। ये गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रोजगार। ओके, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है? ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, ऑनलाइन, इट्स ऑनलाइन कोर्स। आपकी क्या क्वालिफिकेशन? वी डोंट हैव एनी एआई रिलेटेड प्रोग्राम, लेकिन इन फ्यूचर इंशाल्लाह हम एआई भी लेंगे। हम लोग स्किल्स गाला से सीधा आ गए यहाँ पे फर्नीचर एक्सपो पर। इस एक्सपो की सबसे इंटरेस्टिंग बात ये है कि ये साल में 12 महीने होता है और समटाइम्स 12 महीनों से भी ज़्यादा, और यहाँ पे सिर्फ फर्नीचर नहीं है बल्कि यहाँ पे डेकोरेशन पीसेस भी हैं और थोड़े से क्लोथ्स और फैब्रिक्स टाइप चीज़ें भी हैं, कारपेटिंग भी मौजूद हैं, और ये 40% ऑफ पे आज फर्नीचर लगा हुआ है। तो ये तकरीबन हॉल सारा फिल है लोगों से, तो यहाँ पे ये 40% अवेल करने आए हैं। कैन सी के कितने प्यारे प्यारे यहाँ पे डेकोरेशन पीसेस लगे हुए हैं और सीनरीज भी। ये थोड़ा एंटीक स्टाइल में फर्नीचर यहाँ पे लगा हुआ है और यहाँ पे थोड़े अच्छे यूनिक डिज़ाइंस लगे हुए हैं, बहुत प्यारे से कलर्स भी बहुत अच्छे हैं। द शॉप ऑफ लिटिल थिंग्स TSOLT। और यहाँ पे कुछ लाइट्स हैं, वुड का फर्नीचर है यहाँ पे। सर ये कौन सी वुड है? एकेशिया। सॉरी, एकेशिया। ओके, इनके डिजाइन थोड़े यूनिक हैं। ये
और बेड का फ्रेम फोटो आप 2 करोड़ का बेड लेंगे उसके अंदर खुशी होगी। We will walk little quickly in this hall and we'll try to cover all outlets. यहाँ पर ज़्यादा वो फैमिलीज़ होती हैं जिनके घर में शादी होने वाली होती है और वो अपना फर्नीचर चेंज करना चाह रही होते हैं, कुछ अपनी बेटियों को डॉरी में देना चाह रहे होते हैं फर्नीचर, तो वो लोग इस अपॉर्चुनिटी को लाजमी अवेल करते हैं। ये वाटरफॉल वाला ये मुझे बहुत पसंद है, ये लास्ट टाइम भी था और मैंने इसको कवर किया था और इसी जगह पे था। बेसिकली इसकी जो वाटरफॉल की आवाज़ आती है ये बहुत ज़्यादा रिलैक्सिंग होती है। यू कैन सी फैमिलीज यहाँ पे हैं, लड़कियाँ यहाँ पे हैं, यंग लड़कियाँ यहाँ पे हैं और ये ज़ीरो की तरफ से सारा मसाजर्स लगे हुए हैं। ये डेकोरेशन पीसेस हैं और इस साइड पे कुछ डाइनिंग टेबल्स लगे हुए हैं बड़े लग्जरियस टाइप के। अभी ना इतना हल्का मैं इनको इतना ज़्यादा करीब से जाके नहीं कर रही वीडियो क्योंकि मेरी पिछली वीडियोस में ये फर्नीचर था और मैंने इसको काफ़ी ज़्यादा करीब से दिखाया था। ये दूर से एक डेकोर की शॉप नज़र आ रही है, स्टोन्स टाइप, ये बहुत मज़े की चीज़ लग रही है, ये पहले किसी एक मैंने देखी नहीं। थोड़ी सी हरियाली भी है, बड़े मज़े की लग रही है। बहुत प्यारे प्यारे से प्लांट्स हैं। बहुत महंगे हैं भाई। सो मुझे लगता है कि मैंने तकरीबन सारा ये कवर कर लिया है और मैं बहुत थक चुकी हूँ, तो मैं अब ज़रा एक सोफे पे बैठ के सा फ़ोन करूँगी। ये सामने जो इंटीरियर नज़र आ रहा है ये है सन होम का। ये वाला इंटीरियर बहुत मज़े का है, इट्स इन फैक्ट इंटीरियर इनसाइड। और अगर हम इनके प्राइस टैग्स देखें तो
रहे हैं 10 मिनट में। अंदरूनी लाहौर के रेस्टोरेंट्स वगैरह में जाओ तो वहाँ पे आपको इस तरह का फर्नीचर नज़र आता है जो आपको बहुत अच्छा लगता है, और इस फर्नीचर की वजह से जो वहाँ की जो अट्रैक्शन है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है।